आप सभी को अपर्णाज रेसिपी ट्री की तरफ से श्रावण सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर जी आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही झटपट बनने वाले टेस्टी, हेल्दी और उपवास में खाए जाने वाले टेस्टी से लड्डू, जो कि आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फली दाने गुड़ के लड्डू, जो कि बनाना बहुत ईजी है। तो उसके लिए हमने ले लिया है एक बाउल फली दाना और साथ ही हमने ले लिया है एक बाउल पिसा हुआ गुड़। आप इसके बदले नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने जो गुड़ लिया है ये ऑर्गेनिक गुड़ है, तो ये थोड़ा सा फीका होता है, तो इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है। लड्डू बनाने का जो प्रोपोर्शन होता है वो एक बाउल फली दाना और एक बाउल गुड़ होता है, और साथ ही हमने ले लिया थोड़ा सा इलायची और जायफल का पाउडर। तो बनाते हैं टेस्टी से फली दाना के लड्डू। फली दाना गुड़ के लड्डू बनाने के लिए गैस पर हमने रख दिया एक पैन, और उसमें हम डाल देंगे हमारे फली दाने, और फली दाने को एकदम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते हुए एकदम लो फ्लेम पर ही भूनना है। क्या होता है ना, अगर हम फ्लेम को तेज कर देंगे तो जो ऊपर से फली दाने जल्दी पक जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रहेंगे और हमारे लड्डू फिर अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनिए ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हमने फली दाना को भून लिया है, और ये देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा आराम से करिएगा। देखिए, इसका जो छिलका है एकदम इजीली निकल रहा है। तो जो हमारे फली दाने अच्छे से भुन गए हैं, और देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए, जो हमारा फली दाना है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन अभी ये गुनगुनाई है, तो बस हल्का सा अभी ये गर्म रहे इसको हम डाल देंगे मिक्स के जार में। हमने इसके छिलके को नहीं निकाला है, क्योंकि इसके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। तो अगर आपको निकालना है इसका छिलका तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप रहने भी देंगे तो उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम फली दाने को मिक्सी को बंद चालू करते हुए दर दरा सा पीस लेंगे। हम इसे लगातार नहीं चलेंगे, नहीं तो इसका जो ऑयल है वो रिलीज होने लग जाएगा। देखिए, हमने फली दाने को दर दरा सा पीस लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, और जो हमारा गुड़ है गुड़ को भी इस पर मिक्स कर देते हैं। आप इसके बदले जो गुड़ आता है नॉर्मल वाला, उसे भी आप कद्दूकस करके या फिर बारीक टुकड़ों में क्रश करके भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे इलायची और जायफल पाउडर, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। वैसे जो वो नॉर्मल वाला गुड़ होता है, चिक्की वाला गुड़ होता है, उसके लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं, लेकिन आप पाउडर वाले गुड़ से भी बना सकते हैं, क्योंकि जो ये गुड़ होता है ये वाला ही ज़्यादा पौष्टिक और ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फिर से लेंगे मिक्सी का जार, और उसमें हम डाल देंगे हमारे ये मिश्रण को। इसमें हमने थोड़ा सा मिश्रण डाल दिया है। अब हम इसे फिर से एक बार पीस लेंगे, जिससे कि जो हमारा गुड़ और फली दाना हो अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा फाइन हो जाए, जिससे कि हमारे लड्डू बनाने में आसानी हो। इसमें अभी हमने बिल्कुल भी घी का प्रयोग नहीं किया, ऑयल का प्रयोग नहीं किया है। अगर आपके लड्डू जल्दी अच्छे से नहीं बन रहे तो आप उसमें एक चम्मच घी को भी डाल सकती हैं। तो इसे पीस लेते हैं। हमने फली दाने गुड़ के मिश्रण को एक बार फिर से पीस लिया था, और ये देखिए कितना अच्छे से पीस गया है, और इसमें एक बाइंडिंग सी आ गई है, जिससे कि हमें लड्डू बनाने में आसानी होगी। तो इसे अब निकाल लेते हैं एक बाउल में, और इस तरह से हम सारे मिश्रण को अच्छे से हम फिर से एक बार दोबारा पीस लेंगे। देखिए, हमने फली दाना और गुड़ के सारे मिश्रण को अच्छे से पीस लिया है। देखिए कितना अच्छा सा हमारा मिश्रण बनके तैयार है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम गुड़ लेते हैं उसमें अगर ज़्यादा चिक्की नहीं रही तो फिर उसमें थोड़ा सा लड्डू बनाने में परेशानी होती है। तो आप इसमें एक चम्मच घी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो इस टाइप से अगर लड्डू बनाते हैं तो ये 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता। और अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर घी डाल देते तो वो उसे हम 15-20 दिन तक ही खा
खा सकते हैं क्योंकि उसके बाद में उसमें से एक स्मेल से आने लग जाती है। तो अब देखिए हमारा मिश्रण बनके तैयार है। अब हम इसके मन चाहे आकार के लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती है, या अगर आपके जो गुड़ में बाइंडिंग नहीं आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा खजूर को या फिर किशमिश को पीस के भी इसमें डाल सकती है। देखिए इस तरह से हम अपने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप इसे पीसे उसके तुरंत बाद ये लड्डू को बनाना शुरू कर दें, क्योंकि हल्का सा गर्म होता है, गुनगुना सा होता है, तो उसके कारण जो लड्डू हमारे बनेंगे बहुत बढ़िया बनते हैं। फ्रेंड्स बहुत बार क्या होता है ना कि लड्डू बनाते समय जो लास्ट वाला जो मिश्रण होता है उससे लड्डू ठीक से नहीं बन पाते, तो आप उसे फिर से मिक्सी के जार में डाल दीजिए और फिर से एक बार चला दीजिए, जिससे कि जो लड्डू का जो मिश्रण है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू तुरंत बनने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे टेस्टी से झटपट बनने वाले पौष्टिक लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में, क्योंकि हमारे जो लड्डू है जिसे कि हमने ऑर्गेनिक गुड़ से बनाया है इसलिए इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउन लग रहा है। अगर आप नॉर्मल गुड़ से बनाएंगे तो वो थोड़ा सा वाइटिश बनेंगे, लेकिन कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट में तो ये बेस्ट है। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी झटपट बनने वाले और उपास के टेस्टी से ये हमारे लड्डू। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए।